इस कहानी की शुरुआत 2 जुलाई 2016 को हुई, जब डॉक्टर रमन सिंह से हमारी 5 मिनट की मुलाकात 25 मिनट तक चली। उन्हें हमारे ये गणित और विज्ञान के छोटे छोटे खिलौने, खासकर ये उल्टा पुल्टा लट्टू बहुत ही पसंद आया और मैंने उन्हें ये सहर्ष दे भी दिया। ये लट्टू हमने बैडमिंटन की टूटी हुई चिड़िया के कॉर्क में नीम की डंडी चिपकाकर बनाया था। इस खिलौने की खास बात यह थी कि यह उल्टा घूमते घूमते अपने आप सीधा हो जाता था और इस पलटने वाले लट्टू के ऊपर नोबेल प्राइज जीतने वाले सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक वुल्फगैंग पॉली और नील्स बोर ने भी अपना काफी सर घुमाया था। साधारण से दिखने वाले इस लट्टू के पीछे विज्ञान के अद्भुत सिद्धांत काम कर रहे थे। सामान्य सामान से बने इन छोटे छोटे विज्ञान और गणित के खिलौनों को देखकर डॉक्टर सिंह ने हमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जाकर शिक्षकों के समक्ष अपनी बात रखने का सुझाव दिया। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए के युवा निर्देशक कैसर हक के साथ चर्चा करके प्रशिक्षण का पूरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ। उनके सुझाव के अनुसार हमने छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में जाकर 4000 शिक्षकों के साथ कार्यशाला करने का प्रोग्राम तय किया। शिक्षक प्रेरित होकर ये खुद सीखेंगे और फिर अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ खिलौने बनाकर उनके पीछे के सिद्धांत, इतिहास और रोचक विज्ञान की चर्चा करेंगे। इससे निश्चित ही हमारी कक्षाएं सजीव हो जाएंगी। एक शिक्षक भी यदि 100 बच्चों के साथ काम करता है तो मिलियन मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़ साकार हो जाएगा। 12 दिसंबर से इस कार्यक्रम के पहले चरण में हमने 11 जिलों में 2-2 दिन की कार्यशालाएं करी। बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद से लेकर राजधानी रायपुर के समीप के जिले राजनंदगांव और बिलासपुर से होते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर तक। आरएमएसए द्वारा प्रायोजित इन कार्यशालाओं में हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के लगभग 1500 शिक्षकों ने बहुत ही उत्सुकता से भाग लिया, मानो उनका बचपन ही वापस आ गया हो। दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर की ये यात्रा अद्भुत थी। छत्तीसगढ़ के जंगलों की छटा अत्यंत रमणीय थी। उस पर शिक्षकों का वात्सल्य और प्रतिक्रिया दिल को छू गई। संसाधनों की कमी के बावजूद शिक्षकों ने पूरी लगन और तन मन से भागीदारी की। सभी शिक्षकों ने अपने हाथ से 20-25 खिलौने बनाए। 58 साल के शिक्षकों तक का भी यह कहना था कि उन्होंने 31 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी ऐसी कार्यशाला नहीं करी। ये बातें हमें बहुत ही बल देती हैं। शिक्षकों का यह भी कहना था कि अभी पाठ्यक्रम को कवर करने पर इतना जोर है कि विषय की रोचकता और खूबियां नजरअंदाज हो जाती हैं। कायदे से तो पाठ्यक्रम को अनकवर करना चाहिए, और जब बच्चे खुद अपने हाथ से ये मॉडल और खिलौने बनाकर प्रयोग करेंगे तो पाठ्यक्रम तो पूरा होगा ही, साथ ही सैद्धांतिक समझ भी बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी कक्षाएं जीवंत हो जाएंगी और आंखों की चमक वापस लौट आएगी। छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों पर लाखों बच्चों की जिम्मेदारी है और यदि ये बच्चे डालिया मरकम की तरह प्रेरित हो जाएंगे तो सही रूप में मेक इन इंडिया का सपना साकार हो पाएगा। हमारे गांव साइड अक्सर बिजली मतलब चली जाती है, तो मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूंगी जिससे बिजली हमेशा रहे। हमें आशा और विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से यही मिलियन मेकर्स ऑफ छत्तीसगढ़ भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से रचेंगे। धन्यवाद।